तो इस वीडियो पे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे सेम टू वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन केवल अंक दूसरा रहेगा। यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आपको मैथ में कोई भी फेल नहीं करा सकता है, बहुत ज्यादा नंबर आएगा। तो इसको स्किप मत कीजिएगा, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुपद y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात है। यानी कि इसका घात हम लोग को देखना है। घात का मतलब होता है इसका अधिकतम पावर। इसमें y के अधिकतम घात 3 है, यानी कि इसका पावर 3 है, इसीलिए इसका घात जो होगा 3 होगा। यानी कि इसका घात 3 होगा। और जो द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद के मानक रूप को भी हम पढ़ाए हुए थे इसके पहले वाले वीडियो में, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। तो बहुपद है, यानी कि इस क्वेश्चन को हम पहले भी बताए हुए थे। द्विघात बहुपद के मानक रूप होता है x² - α + β(x) + α(β)। अब इसमें दिया हुआ है x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान दिया हुआ है 2, यानी कि शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है। तो 2 दिया हुआ है, x हो गया, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -15। तो यहाँ हो गया -15। अब हो जाएगा x² - 2x - 15। ये जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पी का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतः x - 2 से भाज्य है। मतलब कि x - 2 से उसमें भाग लग जाएगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x³ + 4x² - px + 8। इस प्रकार लिख देंगे। इसमें कह रहा है कि इतना समय, यानी कि x - 2 से भाज्य है कि नहीं है, तो इसके बराबर में हम लोग 0 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 0, और इसके बराबर में 0, इतना के बराबर में 0 मान लिया। अब यहाँ हो जाएगा x = माइनस दे दे, हो जाएगा +2। देखिए जब भी इसका भाज्य होता है तो इसका जो है बराबर 0 हो जाता है, इसके बराबर भी 0 हो जाता है। यानी कि इसका मतलब कि शेष 0 आता है, इसीलिए इसके बराबर में 0 लिखा जाता है। अब यहाँ पर है x² + 4x² - px + 8 = 0, उसी को लिखे हैं। अब यहाँ पर x का मान 2 रख देंगे, x³ था। अब यहाँ हो जाएगा 2³ + 4x² - इसका होल 2 - px + 8 = 0। अब ये हो जाएगा 8, 8 + ये हो जाएगा 16, माइनस ये हो जाएगा 2p, क्योंकि x का मान 2 रखना था, 2p हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 8 * 8 = 0। अब यहाँ पर सबको जोड़ देंगे, 8 है 8 16 16, ये हो गया 32, -2p = 0। इधर हो गया -2p = 0 -32। अब यहाँ हो गया p = -32 बटा -2। इसको इधर भी कटा सकते हैं, यहाँ भी कटा सकते हैं, माइनस माइनस कट गया, 16 दूना 32, यानी कि p = आ गया 16, यानी कि 16 इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल है। इसको हम लोग बहुत सारे प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग आसान तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है x - 2y = 0, इस समीकरण 1 है। इसको हम लोग इस प्रकार भी ले सकते हैं, x =
2y, इधर तो जीरो है, इधर माइनस 23 पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जीरो में 2y जोड़ेंगे तो 2y ही होगा। तो x का मान इतना आ गया इस समीकरण 1 के। अब समीकरण 2 इसमें दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, या फिर समीकरण 1 का मान या फिर x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 1 का मान है x इज इक्वल टू कितना है तो 2y है, जहां भी x है वहां 2y रख देंगे, तो 3 इंटू 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 10 हो गया। अब हम लोग इसमें गुना कर देंगे तो 3 दुना 6y प्लस 4y बराबर 10, 6 4 10 y बराबर 10, तो y बराबर हो गया 1, y के बाद कितना आ गया 1। अब हम लोग समीकरण 1 में यहाँ पर क्या करेंगे, वहां पर हम लोग y के मान 1 रख लेंगे। अब यहाँ पर है x इज इक्वल टू 2y, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और y के मान 1 है तो 1, तो हो गया x इज इक्वल टू 2। इसको डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, इसको यहाँ नहीं भी रखते, यहाँ पर रखते 1 के मान, तो 2 में 1 से गुणा तो 1 हो जाता है, तो y के मान 1 आ जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि ए में x इज इक्वल टू 2, ए में x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि a में x बराबर 2 और y बराबर -1 दिया है।